अच्छा जी, तो हम पहुंच गए इधर गाड़ी में, हमने पार्क कर दी है, कॉन्टेक्टलेस पार्किंग है काफ़ी सारी जगहों पे। अब हम जो हैं ऊपर से मैं देख रहा था कि बिग क्लिफ टाइप है और उसके ऊपर आप हाइक करके जाते हैं। यहाँ के साथ हाइक पता नहीं कैसी होती है हमारी, लेकिन सूरज निकल आया आज रास्ते में आते आते, और रास्ते की फुटेज भी आपको दिखाऊँगा। अभी थोड़ा सा ड्रोन उड़ाने लगे, उसके बाद जैसे ही हमारे फ्रेंड्स पहुँचते हैं तो फिर हम उनके साथ ऊपर की तरफ कूच करते हैं और देखते हैं क्या प्लान बनता है। ओके जी, तो हम पहुंच गए। अभी हम कोव तो मैंने आपको ऊपर से दिखा दिया, वो शॉट्स थे। अभी हम जा रहे हैं वॉक करके, इधर एक वाटरफॉल बताया गया हमें है कोई आसपास, उधर वाटरफॉल जाके देखते हैं उधर कैसी तफरी होती है। ड्रोन मैंने पकड़ा हुआ हाथ में और खाने पीने का सामान हमने रखा हुआ है यहाँ की ट्रॉली पर, और हमारे जो दोस्त थे उनका थोड़ा सा काम पड़ गया था तो वो थोड़े से लेट हो गए। हमने उन्हें कहा कि हम टॉप पर पहुँच के आपसे फिर मिलते हैं, यहाँ से आई थिंक 3 किलोमीटर की वॉक है, तो अच्छा आपको एक एक्सरसाइज हो जाती है। चलें फिर आगे चलते रहते हैं। ज़बरदस्त सी सीनरी मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी, और इस सीनरी के बीच में हम लोग इस वक्त वॉक कर रहे हैं। मैं बैकवर्ड वॉक कर रहा हूँ और हमारे बिल्कुल साथ साथ जो है ये स्ट्रीम जा रही है, और ये स्ट्रीम जो है ये आगे जाके एक वाटरफॉल से रिजोनेट होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम किसी तरह वो वाटरफॉल लोकेट करें और उसकी थोड़ी सी तस्वीरें लें और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या और सीन चल रहा है। ओके, तो हम लोग ऊपर से होके आए हैं, ऊपर वाटरफॉल है, और वाटरफॉल जो है उसके लिए फैमिलीज़ काफ़ी थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा फिल्मिंग नहीं की। हमारे दोस्त भी आ गए, अब हम उनके साथ जाके थोड़ी देर बैठ के पिकनिक करेंगे और उसके बाद ये फाइन और उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ जाकर हमने कोई तस्वीर लेनी हुई तो वो लेंगे। अभी बस यही सीन है कि मूड हमारा ये है कि अभी यहाँ से निकलते हैं और बैठ के कुछ खाते पीते हैं और देन विल स्टार्ट ऑफ एंड सी क्या और क्या क्या है करने वाला। ओके जी, तो अभी हम यहाँ से फिनिश हो गए हैं और हम जा रहे हैं वापस। अभी बैठ के हमने थोड़ा सा खाना खाया था और उसके बाद हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। लंबी वॉक हो गई है, थोड़ी सी धूप भी ज़्यादा हो गई, इस वजह से हमने कहा कि बेहतर यही है कि अब घर चलें, और यहाँ जो है वो भी सोने वाला है। थोड़ा लंबा ट्रैक है, उसकी बग्गी जो है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बज रही है सारी, इस वजह से यहाँ का वॉकर जो है वो इतने आराम से नहीं चल रहा, लेकिन अब वैसे भी हम वापस जाने वाले हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा मसला नहीं होगा। ऑलराइट, तो जिस तरफ हम गए थे दैट वाज दिस वाटरफॉल, और वॉक थी और हमने वॉक किया, बड़ा मज़ा आया और वहाँ से हम वापस आ गए। तो बेसिकली ये जो बाद में नाम भी मुझे बाद में चला है, मेलकम या मेलहम कोव जो भी इसका नाम है मेलहम कोव जिस जगह का नाम है, इट इज़ बेसिकली ए द शूटिंग साइट फॉर हैरी पॉटर मूवी का सीन। ठीक है, तो आप में से जो लोग हैरी पॉटर फैंस हैं उनको हम कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाए थे। बहुत दूर था, मैं नहीं जा सका, लेकिन क्योंकि यहाँ के साथ फिर उनका स्टोरी के साथ फिर मसला होता है, तो अगर मैं अकेला किसी जाऊँगा तो ज़रूर ऊपर जाऊँगा, और हाइक बड़ी ज़बरदस्त है, तकरीबन 5-6 माइल्स की है, तो मज़ा भी आएगा, लेकिन बिकॉज इहान साथ था और स्ट्रॉलर भी उसका होता है तो पॉसिबल नहीं था इस वक्त। तो खैर, इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आया हमें। अभी हम जाएंगे वापसी पे खाना खाने, लेकिन लेट्स सी फ्यू ड्रोन शॉट्स फर्स्ट। ओके,
ऑलराइट, तो अभी हम वापस पहुंच चुके हैं घर अपने। 2 घंटे की ड्राइव थी, तो वापसी पे हमने ब्रैडफोर्ड से होके आना था। ब्रैडफोर्ड के करीब ही जगह थी, तो हमने सोचा ब्रैडफोर्ड से खाने भी उठा लें। तो वहाँ पे हम जब भी जाते हैं वहाँ पे देसी खाने की बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, इस वजह से हम वहीं से फिर देसी खाने भी ले लेते हैं। तो वो हमने की, उसके बाद हमने देखा कि सुबह जाते हुए हमारी नज़र पड़ी थी एक ट्रक पर, तो बहुत सारे पाकिस्तानी आम नज़र आए। तो हमने कहा कि आम आए हुए हैं तो आम तो लेने चाहिए, तो हम आम भी लेके आए हैं। ये भी आपको नज़र आएंगे बी रोल में, और साथ कुछ और छोटी मोटी चीज़ें। तो अभी क्योंकि आम आ गए हैं तो मेरा प्लान ये बन रहा था, बहुत दिल भी कर रहा था, और प्लान बन रहा कि अब मैंगो मिल्क शेक बनाया जाए, लेकिन पहले हम ट्राई करेंगे कि आम हैं कैसे। अच्छा जी, तो ये आम कट गया है और अब हम टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। तो मैंगो ही आया तो पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट जो था वो थोड़ा सा कह लें फुल पका हुआ नहीं था। तो यही होता है जो शुरू शुरू मैंगोज आते हैं उनको मसाला लगा के पकाया जाता है, तो आपको पता चल जाता है उसका टेस्ट का। और दूसरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान से मैंगो यहाँ पे नॉर्मली आता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो ऐसे से ऐसे मौसम बेहतर होगा तो मैंगो ही बेहतर हो जाएगा। हमने आज मैंगोज़ का मिल्क शेक बनाया है ज़बरदस्त सा, तो ये आपके सामने हाजिर है मैंगो का मिल्क शेक। मैं ये पीऊँगा, मज़ा आ गया। गर्मी के मौसम में मैंगो के मिल्क शेक का अपना ही मज़ा होता है। खैर, फॉर नाउ दिस इज़ ऑल, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंजॉय मैंगोज़।